पीपल्स पार्टी के रहनुमा और माहिर कानून एतजाज अहसन बी फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर फट पड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निशाने पर रख लिया। एतजाज अहसन ने फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमे की दफात पर ही सवाल उठा दिए। कहा, ये नहीं हो सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को रियासत समझने लग जाए। उसने अगर बात की है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ, कोई बात की है तो वो क्या रियासत है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक इदारे होते हैं, एक हुकूमत होती है और एक तीसरी चीज होती है रियासत। रियासत को के साथ लॉयल्टी सब में दिखानी होती है और ये नहीं हो सकता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आप को रियासत समझना शुरू कर दे। एतजाज अहसन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को पार्टी करार दे दिया। कहा कि फवाद चौधरी पर जो दफा लगाई गई उस पर सजाए मौत हो सकती है। जिस अंदाज में पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार किया गया, अदालत को चाहिए पुलिस हुकाम को बुलाकर उनकी सरजनिश करें। ये मामला बिल्कुल गलत है, इसमें जज साहब को भी बुला के और उनकी सरजनिश करनी चाहिए। जिस अंदाज से उसको गिरफ्तार किया गया और फवाद चौधरी है, उसको मेरा ख्याल है इस मामले में तो जमानत से रिहा होना चाहिए, बहुत ज्यादती है। एतजाज अहसन ने कहा कि पीटीआई के साथ ज्यादतियां कुछ ज्यादा ही होती जा रही हैं। फवाद चौधरी को जमानत पर रिहा होना चाहिए।